लगातार चुनावी में कार्यकर्ता बैठक हो रहा है मुंगेर लोकसभा, किस तरह का माहौल रहेगा इस बार? देखिए, बैठक होना या और भी होना, ये चुनाव का श्रृंगार है जी। यहाँ लड़ाई नहीं है। राजीव रंजन उर्फ लल्लन बाबू को किसी प्रत्याशी से लड़ाई नहीं है, यहाँ जीत सुनिश्चित है। केवल यह देखना है कि हम कितने रिकॉर्ड मतों से यह जीत हासिल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, और विपक्ष कहता है कि हम दलित शोषित का आवाज़ हैं, उसके लिए न्याय के लिए हम जीवन भर लड़ाई लड़े। कौन लड़ाई लड़े हैं? किसको न्याय उन्होंने दिया? जब रेल मंत्री थे लालू यादव जी, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रहे, आज किन पर केस चल रहा है कि नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखाया गया? किन पर केस चल रहा है? केस तो उन्हीं पर चल रहा है। और आजकल तेजस्वी यादव घूम घूम की रोजगार की बात कर रहे हैं, जब उनके पिताजी और माताजी बिहार के सत्ता में थे तो वो बतावे कितने लोगों को नौकरी दिए हैं। और हम भी बताते हैं, हर पंचायत में चलिए, हर टोला मोहल्ला में चलिए और पूछिए नीतीश जी के रीजन में कितने लोगों को नौकरी हुआ और लालू जी के रीजन में कितने लोगों का नौकरी हुआ। 10-12 लोग हाथ जरूर उठा देगा कि हमको नीतीश जी के रीजन में नौकरी हुआ। जिस तरह से कुछ लोग ऐसा मानिए कि जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, जातिवाद या विकास आदमी? भाई, जातिवाद क्या होगा, हम लोग अति पिछड़ा है। आज हम महादलित के कई टोला में जाके बैठक करके आए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना के आए हैं, कहाँ यहाँ जातीय रंग का बात है। और जो लोग कमज़ोर पड़ते हैं तो वो यही सब बात करेंगे, लेकिन कहीं ये लोग टिकने वाले नहीं हैं। जनता नोटिस नहीं ले रहा है, दिन में इनकी हिम्मत नहीं है कि लालटेन लेके घूमें, ये लोग रात में घूमने वाले लोग हैं, दिन में घूमने वाले लोग नहीं। क्या लगता है सर, पूरे बिहार का क्या माहौल रहेगा? बिहार में 40-40 सीट NDA जीतने जा रहा है, उसमें कोई इतूत नहीं है। हम तो देखिए, हम तो किशनगंज, हम तो पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी थे पार्टी का, किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, पूरब से ही NDA का उदय शुरू होने जा रहा है, इसलिए कोई चिंता का बात नहीं है। सब लोग, हम लोग एकदम NDA के कार्यकर्ता का चेहरा देखिएगा चमक रहा है, और उनके कार्यकर्ता का चेहरा देखिए मायूस टाइप बना के घूम रहा है, टेंशन में है, तनाव में है। हम लोग कहीं टेंशन तनाव में नहीं है, आनंद से घूम रहे हैं। परिचय क्या हुआ सर आपको? मैं भूमिपाल राय हूँ, जनता दल यू के प्रदेश महासचिव हूँ, और जनता दल यू के चुनाव अभियान समिति के भी सदस्य हूँ, और मुंगेर के प्रभारी भी। थैंक यू। माहौल रहेगा मुंगेर में? मुंगेर का माहौल कोई बात नहीं है, हम करीब एक सप्ताह से घूम रहे हैं क्षेत्र में जी। हर तरफ कहीं विरोधी नाम का कोई चीज़ नहीं आता है। विपक्ष द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है? जनसंपर्क तो करते रहेगा, देखिए रात में करता होगा, दिन का क्या पता है, लेकिन दिन में कहीं कोई उपाय नहीं है। विकास नीतीश जी का नाम है इस क्षेत्र में, नीतीश के नाम ही काफ़ी है जी। मतलब महत्व के नेता कौन, नीतीश कुमार या अशोक महतो? नीतीश कुमार महतो, अशोक महतो जो कहता है, जो क्रिमिनल है वो नेता हो सकता है? महतो का नेता नीतीश कुमार, देश का नेता नीतीश कुमार, बस नीतीश नाम केवल। पूरा प्रखंड में सक्रिय है, किस तरह का माहौल दिख रहा है NDA गठबंधन? हम पूरे प्रखंड में NDA के जितने भी घटक दल हैं सभी मिलकर के एक एक पॉइंट पर जाकर के बात कर रहे हैं जनता से कि किस पॉइंट पर मोदी जी काम किए हैं, किस पॉइंट पर नीतीश कुमार जी काम किए हैं, क्या विकास किए हैं, ये सारी बात को से अवगत करा रहे हैं सारी जनता को जाकर के। मोकामा प्रखंड में कई जगह भीड़ नहीं देखने को मिला, और कई जो है नाली की समस्या या किसी समस्या से, खास करके नगर परिषद में देखा गया, माल गोदाम। हाँ, बहुत 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 अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, तो आप पता कर लीजिए, ललन बाबू एक ऐसा सांसद हैं, ऐसा सेक्स हैं जिन्होंने आज तक ले कोई मोकामा नगर के लिए कुछ नहीं किया, और ये ललन बाबू जब जनसंपर्क अभियान में घूम रहे थे तो मोकामा गोदाम जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उस मोहल्ला में गए, और उसके लिए विधानसभा में उन्होंने गजट पास कराया और 40 करोड़ का पैकेज दिया है मोकामा नगर के लिए, पता कर लीजिए जाकर। क्या लगता है सर, जब हमने वहाँ स्थानीय से बात किया तो स्थानीय ने बताया कि लगभग 40-45 करोड़ का यहाँ योजना आया है, लेकिन क्या लगता है स्थानीय लोगों में जानकारी का अभाव वहाँ है क्या सर? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, हम तो कल परसों भी ललन बाबू गए थे नगर परिषद में, उस मोहल्ला में जाकर के बैठे हैं और सारी जनता को बताए हैं कि ये टेंडर प्रक्रिया में चला गया है, टेंडर भी हो गया है, थोड़ा यहाँ पे आने में समय लगेगा, 1-2 महीना के आसपास लगेगा, थोड़ा आप धैर्य से रहिए, आपको ये विकास दिखेगा और बहुत जल्द दिखेगा।
क्या लगता है सर, पूरे मुंगेर में क्या माहौल रहेगा? सर, पूरे मुंगेर में 4 लाख पार रहेंगे। ये खुशी का जश्न मनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक एक जनता से जाकर खुशी मनाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है सर, बाहुबली अशोक महतो से मुकाबला? यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, बाहुबली सिर्फ दो ही आदमी है, ऊपर में है मोदी जी और नीचे में है नीतीश कुमार, इससे बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। जितना विकास करके उन्होंने अपने बाहों से दिखाया है, उसी को हम बाहुबली कहते हैं। क्या परिचय है सर? मुकेश कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, रामपुर डुमरा, मोकामा। थैंक यू।